शनिवार के रात से ही गाड़ी चलना बंद हो गया है। हालांकि मुंगेर भागलपुर के बीच जितना रेल ट्रेन है लगभग 13 ट्रेन कैंसिल हो गया है, बंद हो गया कुछ दिनों के लिए। हमारे संवाददाता और कई अन्य सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिला है कि ऋषि कुंड के आसपास में वहां पे पटरी दब गया है, इसी वजह से इस एरिया में ट्रेन नहीं चला रहा है। जमालपुर भागलपुर सुल्तानगंज बरियारपुर कल्याणपुर के बीच में ये बाढ़ प्रभावित इलाके क्षेत्र है, जिसके कारण से जब गंगा नदी की जलस्तर अधिक होता है, बाढ़ होता है, तो ट्रेन ही रोक देता है। मालदा मंडल के जो भी पदाधिकारी है वो उतना रिक्स लेकर नहीं चलाता था। हमारे अंग्रेज टाइम में ये सब नहीं होता था, कितना भी बाढ़ हो जाता था बाढ़ पर ही रेलवे ट्रैक पर बाढ़ का पानी आ जाता था, फिर भी वो ट्रेन चलाता था। वो सब जमाना नहीं रहा, रिक्स नहीं लेना चाहता है। ये कोई ट्रेन नहीं है, मालगाड़ी नहीं है, बल्कि यहाँ पर चेक चाक करते रहता है कि ताकि इस एरिया में मेरा रेलवे ट्रैक सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये कर्मी का और इसमें कुछ खास अधिकारी भी घूमते हैं, इसी तरह दौरा करते रहेगा। बात रहा ट्रेन चलाने की, जब गंगा नदी की जलस्तर येलो से डाउन हो जाएगा तब फिर ट्रेन चलेगा।